वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, तोड़फोड़ और हिंसा विरोध का सही तरीका नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध हो लेकिन संयम के साथ हो। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से भारत की छवि वैश्विक मोर्चे पर खराब होती है। सरकार ने जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके अंतर्गत 5 राज्यों में छापेमारी कर भारी मात्रा में जमा की गई दाल जब्त हुई है। छापेमारी की इस कार्रवाई में 5,800 टन से ज्यादा दाल जब्त की गई है। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि देश के कई हिस्सों में दाल की आपूर्ति के लिए कई केंद्र बनाए गए हैं, ताकि लोगों को सस्ती दर पर दाल मुहैया कराई जा सके। केंद्र सरकार ने दालों की बढ़ती हुई कीमतों के मद्देनजर आम जनता को राहत देने के लिए अरहर दाल को केंद्रीय भंडार और सफल के स्टोर पर 120 रुपए प्रति किलो पर उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह एक बस के खाई में गिरने से बड़ा हादसा हो गया। घटना में 14 लोगों की मौत हो गई और 23 लोग घायल हो गए। घटना जम्मू कश्मीर में उधमपुर के रामनगर की है। उबर रेप केस में 30 हजारी अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पिछले साल 6 दिसंबर को गुड़गांव की एक कंपनी में काम करने वाली लड़की के साथ कैब में बलात्कार करने के आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव को दोषी करार दिया है। हालांकि सजा पर बहस 23 अक्टूबर को होनी है। नेपाल सरकार ने प्रदर्शनकारी मदेशी समुदाय से बातचीत के लिए 5 सदस्यीय दल गठित किया है। नेपाल की कैबिनेट ने उप प्रधानमंत्री कमल थापा के नेतृत्व में दल का गठन किया है। 25 अक्टूबर को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से विचार साझा करने और वॉइस मैसेज भेजने का आह्वान किया है। लोग अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-300-7800 पर भेज सकते हैं। ये फोन लाइन 18 अक्टूबर को 10 बजे दिन से 21 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूगो कनाडा के अगले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता स्टीफन हार्पर ने चुनावों में हार स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दिया है। 43 वर्षीय ट्रूगो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री पियर ट्रूगो के पुत्र हैं। जस्टिन ट्रूगो ने विकास में बढ़ोतरी और बदलाव का इन चुनावों में नारा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के संसदीय चुनाव में स्टीन ट्रूगो को जीत पर बधाई दी। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि कनाडा के साथ संबंधों को मजबूत करना हमारी उच्च प्राथमिकता है। पीएम ने कहा कि कनाडा लोकतंत्र में वहां रह रहे भारतीय समुदाय की अहम भूमिका है। साथ ही प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2015 में स्टीन ट्रूगो के साथ हुई मुलाकात को भी याद किया। नासा ने अपनी नई वेबसाइट की शुरुआत की है, जिसमें पृथ्वी पर सूर्य के पूर्ण प्रकाश के भाग के चित्रों को देखा जा सकता है। ये रंगीन चित्र नासा के कैमरे ने 1,00,000 मील की दूरी से डीप स्पेस क्लाइमेट वेधशाला से लिए हैं। इस परियोजना में नासा, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA और अमेरिकी वायुसेना भागीदार हैं। नासा प्रतिदिन 12 से 36 घंटे पहले ली गई तस्वीरें इस वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। साइकिलिंग अवार्ड विजेता हितेंद्र और महेंद्र महाजन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। महाजन बंधु भारत के पहले साइकिलिस्ट हैं, जिन्होंने दुनिया की सबसे मुश्किल साइकिल रेस रैम रेस अक्रॉस अमेरिका पूरी की। महाजन भाइयों ने इस रेस को पूरा करने के लिए गर्म तापमान, पहाड़ी इलाकों और तूफान का सामना किया। ये रेस अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित कैलिफोर्निया से शुरू हुई और पूर्वी तट पर स्थित मैरीलैंड में सम्पन्न हुई। आज से शुरू हो रहे फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में एक बार फिर सबकी नजर भारत की दो स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और पीवी सिंधु पर होगी। वहीं पुरुष वर्ग में भी भारत के पी कश्यप, किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारत के एकमात्र तिहरे शतकधारी और दुनिया के सबसे तूफानी बल्लेबाजों में से एक वीरेंद्र सहवाग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास देने की घोषणा कर दी। सहवाग आखिरी बार भारत के लिए मार्च 2013 में खेले थे। भारत के डेविस कप टेनिस खिलाड़ी युकी भांबरी अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया के 100 सिंगल्स खिलाड़ियों में पहली बार शामिल हो गए हैं। भांबरी ताजा जारी ATP रैंकिंग में 6 स्थान की छलांग लगाकर 99वें नंबर पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति ने दुर्गा पूजा की देशवासियों को बधाई दी। दुर्गा पूजा की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में देशवासियों और विदेश में बसे भारतीयों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दुर्गा पूजा असत्य पर सत्य, बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। ये त्योहार हमारे समाज की नैतिकता की बुनियाद को मजबूत करता है।